आज के समय देखा जाए तो भारत के पास ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं और वह सारी टेक्नोलॉजी है जिससे हम किसी भी हथियार को खुद भारत में बना सकते हैं। यहां तक कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान को भी बनाने की टेक्नोलॉजी, जो आज से कुछ साल पहले असंभव लगती थी, आज उसको भी हम बना रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी हथियार है जिसे हम लोग आने वाले अगले 10 या 15 सालों तक भी आसानी से नहीं बना सकते, इसलिए हमें वह किसी भी कीमत पर खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह हथियार इतना ज्यादा महंगा है कि उसे आज तक हम खरीद नहीं पाए हैं, लेकिन हम उसे खरीदने की कोशिश पिछले 2-2.5 सालों से कर रहे हैं। इस हथियार का नाम है TU-160M बॉम्बर, जिसे व्हाइट स्वान महाविनाशक कहा जाता है, और यह साउंड की भी तेज स्पीड से ट्रेवल करता है। लेकिन अब दीपावली के पहले ही एक तोहफे की तरह यह स्वर्णिम अवसर भारत के पास खुद चलकर आया है, और रूस ने इसी महाविनाशक हथियार को खरीदने का ऑफर भारत के सामने रख दिया है। और यह खबर हाल ही में निकल कर आ रही है जिसमें हम देख सकते हैं कि भारत को महाशक्तिशाली बॉम्बर TU-160M देने के लिए रूस तैयार हो गया है, और यह पहली बार है जब रूस इस तरीके का हथियार भारत को दे रहा है, क्योंकि इस हथियार को आज तक रूस ने किसी दूसरे देश के हाथों में नहीं बेचा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत को मिल रहे इस शानदार ऑफर के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल पिछले दिनों जब हमने यह खबर पढ़ा कि रूस अपने सबसे ताकतवर हथियार न्यूक्लियर बॉम्बर TU-160M भारत को देने के लिए तैयार हो गया है, तो यकीन मानिए दोस्तों, हमें बेहद ही खुशी हुई, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी और ताकत के बारे में जब आपको जानकारी होगी तो आप भी पूरी तरह से हैरान रहने वाले हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इससे ताकतवर बॉम्बर हथियार भी किसी देश के पास मौजूद होगा। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर यह हथियार भारतीय वायुसेना को आज से 10 या 15 साल पहले दिला देना चाहिए था, क्योंकि यह इतना जरूरी हथियार है कि अगर 2-4 की संख्या में भी हमारी वायुसेना के पास होते तो पाकिस्तान और चीन के खतरे को हम एक दशक पहले ही मिट्टी में मिला दिए होते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसकी कीमत ज्यादा होने और कुछ अन्य कारणों से हम लोग भारतीय वायुसेना को यह हथियार नहीं दिला सके, और इसीलिए जब रूस ने भारत को इस हथियार को खरीदने का ऑफर दिया है तो जितने भी जियोपॉलिटिकल थिंकर हैं उनका यही कहना है कि भारत इस मौके का फायदा उठाए और भारतीय वायुसेना को ज्यादा नहीं बल्कि 2 से 5 की संख्या में ही लाकर दे दें, तो इससे भारत की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और इसकी खासियत जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि किसी न किसी तरीके से भारत को इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में इस बॉम्बर हथियार को लाकर भारतीय वायुसेना को देना चाहिए। असल में देखा जाए तो हाल ही के दिनों में जब रूस में ब्रिक्स की समिट हुई थी तो उस समय भारत के पीएम मोदी और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय मीटिंग हुई थी। उसी के बाद से यह जानकारी बाहर आने लगी कि रूस ने अपना TU-160M, जो कि न्यूक्लियर सुपरसोनिक बॉम्बर है, उसे ऑफर किया है, और यह TU-160M न्यूक्लियर सुपरसोनिक एक नया नवेला बॉम्बर है, जबकि इसका पुराना वेरिएंट TU-160 है, जिसके मुकाबले नया वाला बॉम्बर लगभग 60% ज्यादा इफेक्टिव है। यानी कि यह एक प्रकार से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होने के साथ साथ इसकी कीमत भी काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसकी कीमत की बात करें तो लगभग $163 मिलियन के आसपास है, जो कि एक प्रकार से काफी सस्ता है, क्योंकि देखा जाए तो राफेल जैसे एक फाइटर जेट की कीमत लगभग $120 मिलियन तक पहुंच जाती है। और यदि इतने में भारत को एक अच्छा खास न्यूक्लियर बॉम्बर मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। और यह इतना ज्यादा कैपेबल है, इसकी कैपेबिलिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार में यह मिनिमम 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, और अधिकतम की बात की जाए तो यह लगभग 16,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। यानी कि एक बार अगर इसमें फ्यूल लोड कर दिया जाए तो 12,000 से 16,000 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय करेगा, और वह भी इसकी स्पीड सुपरसोनिक होगी यानी कि आवाज से भी तेज।
जिस तरीके से आज के समय में सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड होती है, उतनी स्पीड में आसानी से ट्रेवल कर सकता है। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि यह बॉम्बर हथियार अपने साथ लंबी दूरी वाली 12 क्रूज मिसाइल को ले जा सकता है। यहां तक कि अगर 7 शॉर्ट रेंज वाली न्यूक्लियर मिसाइल को भी इसमें फिट कर दिया जाए तो यह अपने साथ कैरी कर सकता है और दुश्मन देश के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़कर उन्हें मिट्टी में मिला सकता है। वैसे तो इस बॉम्बर हथियार के अलावा भी हमारे पास कोई अन्य स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं है, क्योंकि भारत ने इसके बजाय ज्यादातर मल्टी रोल फाइटर जेट पर फोकस किया है। उदाहरण के लिए बता दें कि यदि आज के समय में हमारे पास यह आ जाए तो पाकिस्तान को तो एक सेकंड में ही स्वाहा किया जा सकता है, और केवल एक बॉम्बर ही इतना ज्यादा कैपेबल है कि वह अपने साथ आधुनिक न्यूक्लियर और क्रूज मिसाइल को ले जाकर पाकिस्तान पर छोड़ दे तो वह सीधा मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल एक तरीके से परमाणु बम का काम करती हैं, और यदि एक साथ कई न्यूक्लियर मिसाइल किसी पर गिर जाए तो इसकी फायर पावर इतनी ज्यादा है कि उसका खेल खत्म ही समझो। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया ही जाना चाहिए? क्या पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा रीजन है? तो आपको बता दें कि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि असल कारण है चीन। क्योंकि चीन के पास इस समय लॉन्ग रेंज वाले काफी सारे बॉम्बर्स आ चुके हैं, जिससे वह पूरे भारत को कवर कर सकते हैं और भारत में अचानक चाहे तो घुसपैठ भी कर सकते हैं। और खासकर ईस्ट वाले इलाकों को चीन से काफी ज्यादा खतरा है, क्योंकि भारत और चीन की तरफ जो करीब 3000 किलोमीटर की सीमा बताई जाती है, उस पर चीन कई बार पेट्रोलिंग कर सकता है। इसीलिए हमारी वायुसेना के पास इस तरीके का हथियार होना ही चाहिए, ताकि भारतीय वायुसेना न सिर्फ संख्या के मामले में आगे रहे बल्कि हथियारों से लैस रहे। हालांकि भारतीय वायुसेना की ताकत तो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी हमें ध्यान रखना होगा। इसे ऑपरेट करने की जो फ्यूल लागत है वह काफी ज्यादा है, जिससे ओवरऑल खर्च बढ़ जाता है। और यदि इस तरीके के हैवी बॉम्बर्स हम भारत में ले आते हैं तो इनके रखरखाव और मेंटेनेंस के लिए अलग से बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा, जिसके लिए एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। और क्योंकि अभी तक भारत में इस तरीके का कोई भी हथियार हमारी भारतीय वायुसेना इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसलिए पायलट को विशेष प्रशिक्षण देने के साथ साथ वायुसेना के अड्डे भी तैयार करने होंगे। कहने का मतलब यह है कि इसे खरीदने की लागत भले ही भारत के लिए काफी ज्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर इसे भारतीय वायुसेना को सौंपना है तो ओवरऑल इसके ऊपर हमारा खर्च काफी ज्यादा होगा। और इसी खर्चे से बचने के लिए हमने TU-160M के पुराने वेरिएंट को आज से 15 साल पहले भी नहीं खरीदा था, जब रूस ने भारत को ऑफर दिया था। फिलहाल आपको क्या लगता है कि रूस के ऑफर को स्वीकार करके इस समय भारतीय वायुसेना में इस तरीके का हथियार शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।